2014 के लोकसभा चुनाव में जनता से किए वादों को लेकर अब बीजेपी घिरती जा रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र में सबसे अहम मुद्दा राम मंदिर का ही था, जिसके पूरा न होने पर अब उसके ही अपनों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। बीएचपी के नए अध्यक्ष वीके कोकजे ने राम राग अलापते हुए जल्द से जल्द मंदिर निर्माण कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने वादा किया था और हमें उम्मीद है कि वो उसे पूरा करेगी। राम राग अलाप कर राजनीति में अपनी नैया पार लगाने वाली बीजेपी के लिए अब यही राग मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि 2014 में उसने राम नाम के सहारे ही सत्ता हासिल की थी और अब 4 साल बाद राम का नाम तो जुबा पर आता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि वादा पूरा कब होगा। उल्टा 2019 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर राम नाम की राजनीति शुरू कर दी है और लोगों को वादों की चाशनी में डुबाना शुरू कर दिया है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि राम मंदिर बनाने का वादा करने वाली बीजेपी इसे 2019 में पूरा कैसे करेगी। इसलिए उसने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले प्रवीण तोगड़िया ने मोदी सरकार को मंदिर के मुद्दे पर घेरा था, लेकिन अब उनके जाने के बाद नए अध्यक्ष भी राम राग अलाप कर पार्टी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। बीएचपी के नए अध्यक्ष वीके कोकजे ने कहा है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले से राम मंदिर का वादा किया था, अब वक्त आ गया है कि उसे पूरा किया जाए। उन्होंने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा, राम मंदिर की राह में आने वाली ज्यादातर बाधाओं को दूर कर दिया जाएगा। कुछ लोग जरूर अपने हितों के लिए बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।